स्वागत है आपका 7i न्यूज में और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। यूपी के यमुना एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे में 3 सड़क हादसे, 4 महिला सहित 7 लोगों की मौत। ट्रेन अटला दिल्ली से वाराणसी तक का सफर करेगी तय, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी आरएसएस पर बड़ा हमला, बीजेपी ने संविधान की उड़ाई धज्जियां। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में आदमपुर बाग के नाम पर मचा बवाल, मुस्तफा रखने पर मुस्लिम समाज नाराज। और आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में यमुना एक्सप्रेसवे पर बीते 24 घंटों में हुए 3 सड़क हादसों में 7 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 महिला सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वहीं परिजनों को घटना की जानकारी भी दे दी गई है। नौझील के थाना प्रभारी श्यांत सिंह ने बताया कि एक कार का बाजना के निकट रेलिंग से जाके वो टकरा गई, जिससे कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया, वहीं बाकी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेन 18 के दिल्ली से वाराणसी तक जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि ट्रेन का सफर 8 घंटे का होगा और इसकी गति इस मार्ग पर सबसे तीव्र गति वाली ट्रेन से 1.5 गुना ज्यादा होगी। गोयल ने कहा, हमने ट्रेन का सफल परीक्षण कर लिया है और सुझावों को लागू किया जा रहा है, जल्द ही ट्रेन राष्ट्र को समर्पित की जाएगी और हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसे हरी झंडी दिखाने का अनुरोध भी किया है। ये ट्रेन 8 घंटों में दिल्ली से वाराणसी की दूरी तय करेगी। अब तक दोनों शहरों के बीच चलने वाली सबसे तीव्र गति वाली ट्रेन 11.5 घंटे का समय लेती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया के नाम पर भाजपा ने स्वदेशी आंदोलन को फांसी लगा दी है। विदेशी सामानों का आयात बढ़ रहा है, विकास पिंजरे में कैद हो गया है। चीन और विदेश से सामान मांगने के लाइसेंस बढ़ रहे हैं, बिचौलिए ने व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसने 2 तरह की शपथ ले रखी है, एक संविधान की और दूसरी आरएसएस की, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वर्तमान में सत्ता में ऐसे लोग काबिज हैं जो सत्ता का दुरुपयोग अपने निजी स्वार्थों के लिए कर रहे हैं, वहीं जनता को धोखा दिया जा रहा है, साथ ही बीजेपी समाज में नफरत और दूरी पैदा कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक आदमखोर बाघ का नाम मुस्तफा रखने पर बवाल मच गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि मुस्तफा हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा हैं, इसलिए आदमखोर बाघ के नाम को बदला जाए। मुस्लिम समुदाय ने इस बारे में जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। जिलाधिकारी से उस फॉरेस्ट ऑफिसर पर कार्रवाई की मांग भी की गई है जिसने बाघ का नाम रखा है। दरअसल फरवरी 2017 में पीलीभीत में एक आदमखोर बाघ का रेस्क्यू किया गया था। इस बाघ ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, साथ ही एक को घायल भी कर दिया था। जब इस बाघ को पकड़ा गया उस वक्त उसका नाम मुस्तफा रख दिया गया था। ये बाघ जहां से पकड़ा गया था वहां पास में एक वन चौकी है जिसका नाम मुस्तफाबाद है। नोएडा कासना थाना क्षेत्र की एनएसजी कॉलोनी में रहने वाले 65 वर्षीय एक व्यक्ति ने मानसिक तनाव के चलते कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, पड़ोसियों ने उसके फ्लैट से बदबू आने के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी थी। पुलिस ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे शख्स ने करीब एक हफ्ते पहले आत्महत्या की थी। ग्रेटर नोएडा के पुलिस उपाधीक्षक निशांत शर्मा ने बताया कि कासना थाना क्षेत्र की एनएसजी कॉलोनी के एक फ्लैट में किराए पर रहने वाले 65 वर्षीय नारायण सिंह ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, वह घर में अकेले रहते थे। उन्होंने बताया कि जब उनके फ्लैट से बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रीवा प्रेस क्लब ने पत्रकारों के साथ हुई मारपीट के मामले में एसपी को ज्ञापन सौंपा है। पत्रकारों का कहना है कि सिविल लाइन थाना प्रभारी और अन्य लोगों ने न स्वदेश कार्यालय में घुसकर पत्रकारों के साथ मारपीट की थी, जिसके चलते उन्होंने एसपी आशुतोष गुप्ता से कार्रवाई की मांग की है।
स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी विदिशा पहुंचे, जहां वह SATI कैलाश सत्यार्थी सभागृह में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी की प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कई प्रजातियों के पुष्पों का अवलोकन किया और विजेता छात्रों को सम्मानित भी किया। मुरैना के देवरी घड़ियाल केंद्र पर 5 घड़ियालों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है, जिनका 5 विशेषज्ञों ने PM किया। बताया जा रहा है कि घड़ियालों की मौत वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही से हुई है। इस पूरे मामले को दबाने के लिए अधिकारियों ने मीडिया को कवरेज करने से मना कर दिया, जबकि जीव विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र जाटव ने बताया कि घड़ियालों की मौत सर्दी की वजह से हुई है। ग्वालियर के आनंद नगर में विवाहिता महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, महिला के माता पिता ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है। थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छतरपुर से कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में कई अनियमितताएं पाई, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई और व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। और अब बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। अगली बार फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पिछले